बिहार में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के इतने समर्थक, इतने भक्त और इतने चाहने वाले होंगे, ये बात शायद से सपने में भी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने नहीं सोचा होगा। और यही कारण है कि आज कार्यक्रम में इतनी भीड़ जम गई, इतनी भीड़ एकत्रित हो गई कि बाबा भी देखकर आश्चर्यचकित रह गए। यानी 3 लाख वाले पंडाल में लगभग 10 लाख लोग जो है वहां पर इकट्ठा हो गए। और यही कारण है कि अंत में अंतोगत्ता बाबा के पहुंचने के बाद चारों तरफ से एंट्री गेट को बंद कर दिया गया, क्योंकि भीड़ इतनी बढ़ गई, सत्संग प्रेमियों की, भक्तों की कथा में रुचि इतने लगने लग गई कि आने वाले श्रद्धालुओं को जो है कहीं ना कहीं बैठने तक की जगह नहीं मिली। कल कम मात्रा में लोग आना और अपने घर पर सोशल मीडिया पर अथवा टीवी पर कथा को सुनना हमारी ये प्रार्थना है। और यही कारण है कि आज समय से पहले कथा को स्थगित करना पड़ा, यानी समय से पहले कथा को विराम देना पड़ा। घर पर बैठकर टीवी में देखना, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हो गए। और वहां पर आयोजक समिति द्वारा कहा गया कि यहाँ पर तिल डालने भर की जगह नहीं है। यानी ये बात सपने में भी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नहीं सोचा होगा कि बिहार में उनके चाहने वाले इतने हैं कि उनकी वजह से जगह भी कम पड़ जाएगी। पंडाल खचाखच भरा था, धूल उड़ रही थी और कई लोगों को ऑक्सीजन की भी कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि हद से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा आज उनके भक्त, उनके चाहने वाले उनको देखने के लिए कथा के दूसरे दिन ही वहां पर उमड़ गए थे। और यही कारण है कि कल के जो दिव्य दरबार होने वाला है उस पर भी पूर्णतया पूर्ण विराम लग गया है, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को यह अनुमान लग चुका है कि कल कहीं से उम्मीद से ज्यादा भीड़ होने वाली है। यानी कल उम्मीद से ज्यादा भीड़ होने वाली है और किसी प्रकार की अनहोनी ना हो जाए, प्रशासन को ज्यादा दिक्कत ना हो, प्रशासन को ज्यादा चहलकदमी ना करना पड़े, इसलिए कल के कार्यक्रम को यानी दिव्य दरबार वाले कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि हमारी वजह से किसी को दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की दुविधा किसी भक्त का ना हो, इसीलिए कथा तो होगी लेकिन दिव्य दरबार नहीं लगेगा। बिहार पुनः कभी आएंगे तब दिव्य दरबार लगाएंगे और इसके बाद अर्जी लगाकर लोगों की पर्ची बनाएंगे। सत्तू लिट्टी खाकर, बाटी चोखा खाकर, सत्तूल बांध बांध कर लोग बिहार के अन्य अन्य प्रांतों से नौबतपुर पहुंचे हुए थे और उनको उम्मीद थी कि 15 तारीख वाले दिव्य दरबार में जो है हनुमान जी की कृपा से दिव्य दरबार में उनकी अर्जी सुनी जाएगी, उनकी पर्ची बनेगी और तमाम मुसीबतों से, परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन उम्मीद से ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाने के कारण कल के दिव्य दरबार पर जो है पाबंदी लग गई है, यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने उसको पुनः स्थगित कर दिया है। हालांकि आज इतनी भीड़ हुई कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी देखकर आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि अनुयायी बहुत सारे हैं बाबा के, देश हो, विदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, जलंधर हो, लुधियाना हो, देश के अन्य अन्य प्रांतों में बागेश्वर बाबा के इतने चाहने वाले हैं कि शायद से इसका अनुमान बागेश्वर बाबा भी नहीं लगा सकते हैं कि मेरी ख्यात कितनी बढ़ चुकी है। और यही कारण है कि आज भीड़ इतनी एकत्रित हो गई कि वहां पर उमड़े तमाम जन सैलाब को भी यह नहीं पता था कि बागेश्वर बाबा के चाहने वाले इतने समर्थक और इतने चाहने वाले उनके भक्त हैं। हालांकि बागेश्वर बाबा ने कहा कि भीड़ एकत्रित करना, इकट्ठा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद यह है कि लोगों तक सत्संग पहुंचे, सत के मार्ग की बातें पहुंचे, लोगों तक कथा पहुंचे, प्रवचन पहुंचे और लोग जो है हिंदू सनातन के प्रति जो है अग्रेसिव हो। भीड़ बुलाने के लिए या भीड़ दिखाने के लिए कथा नहीं करनी है, हमें बिहार के कल्याण के लिए कथा सुनानी है। इसीलिए वो उन्होंने कहा कि भीड़ इकट्ठा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद बिहार के लोगों के भविष्य को उज्जवल बनाना, बिहार में कथा करना, बिहार में प्रवचन करना और बिहार तक अपनी बात को पहुंचाना है। इसीलिए उन्होंने कहा कि भीड़ इतनी एकत्रित हो गई है कि कल जो श्रद्धालु टिकट कराकर ट्रेन से दूर दराज से आ रहे हैं वो टीवी पर ही सोशल मीडिया पर कथा को सुने, देखे, यहां पर ना आए, क्योंकि यही कथा आपको टीवी पर भी सुनाई जाएगी और यही कथा यहां पर भी बताई और जाएगी। तो उन्होंने हाथ जोड़कर बिहार के पागल भक्तों से अनुग्रह किया है, निवेदन किया है कि रे पागल भक्तों कल जो है नहीं आना है और कल का कथा जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मोबाइल के टीवी स्क्रीन पर देखना है। और क्योंकि इतनी भीड़ एकत्रित हो गई है जिससे लोगों को दुविधा ना हो, इसलिए टिकट कैंसिल कीजिए और पूरी कथा अपने घर पर सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए। इसलिए हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो जहां से आ रहे हैं ट्रेन की टिकट जिन्होंने बुक करवाई है, पटना आ रहे हैं, बाहर वापस हो जावे। और बाहर के लोगों से भी प्रार्थना है कि यहाँ ज्यादा ही भीड़ हो गई है,
इसलिए आप लोग, बाकी ये अपडेट है, लेकिन बागेश्वर बाबा सिर्फ एक अनुयायी उनके लाखों करोड़ों अरबों में, एक देश नहीं दो चार देशों में और सबके सब राज्यों में भरे हैं। और बागेश्वर बाबा को भी अनुमान नहीं था कि बिहार के पागल भक्त इतने पागल हो जाएंगे कि वो नौबतपुर में जो है सांस लेने की जगह तक नहीं छोड़ेंगे। 3 लाख वाले पंडाल में लगभग 10 लाख एकत्रित तो हो जाएंगे। अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अगले 5 दिन तक कथा करेंगे, मतलब जो आने वाली कथा है उसमें 2 दिन बीत चुका है, यानी 3 दिन तक वो कथा करेंगे और बढ़िया से कथा होगी और श्रद्धालुओं को यानी भक्तों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।